दोस्तों नमस्कार। जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 3 रोज से अलवर में बारिश का जो दौर है वो थम चुका है। अब अलवर में बारिश है जो विदाई ले चुकी है, उसके बावजूद भी दोबारा यदि बारिश होगी तो आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। इस बारिश से अलवर में जो प्याज है, लाल प्याज की जो फसल है जिसके लिए अलवर जाना जाता है, उसमें कितना इस बारिश का फायदा है नुकसान है, तो इसकी रिपोर्ट हम आपको जितना हो सकेगा गांव-गांव जाकर पूरी अच्छी रिपोर्ट देंगे। कितना रोग है, कितना नहीं है, फायदा है नुकसान है। आप मेरे पीछे देख रहे हो जो खेत हरा भरा दिख रहा है, ये प्याज का खेत है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये ईटाराणा और झोंपड़ी गांव बोलते हैं इसको, यानी कि झोंपड़ी और ईटाराणा दोनों एक ही नाम है। मैं इसमें यहाँ मौजूद हूँ तो मैं दिखाता हूँ इसमें प्याज में कितना नुकसान है, कितना फायदा है। देखिए दोस्तों, ये प्याज का करीब 4 से 5 बीघे का खेत है, लंबा खेत है और इसके साइड में जहाँ तक आपको नज़र दिखेगी वहाँ प्याज ही प्याज है, क्योंकि ये मेवे भाइयों के गांव है और मेवे भाइयों के जो गांव हैं उनमें प्याज है जो कुछ ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि ये अलवर शहर के बिल्कुल पास का गांव है ईटाराणा। इसमें आर्मी की जो छावनी है, देखिए इधर को आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाउंड्री है जो आर्मी की ही बाउंड्री है जो ईटाराणा आर्मी के नाम से जानी जाती है। और ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है इसके बिल्कुल नीचे ईटाराणा गांव का ये खेत है। तो इसमें बारिश से कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पानी इसमें फुल भरा था खेत में, क्योंकि अभी भी गीला है और प्याज है जो किसान भाई की पूरे खेत की हरी भरी है। अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कई अनुभवी किसानों से बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि बारिश तो खूब अच्छी हुई है लेकिन धरती भी काफ़ी प्यासी थी, यानी कि जितना भी पानी बरसा है उसको ज़मीन ने सोख लिया है। उसके बाद में इसमें जो किसान अपने ट्यूबवेल से बिजली से कुएं का पानी देगा, मोटर का पानी देगा, उसके बाद पता चलेगा कि इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल यदि नुकसान की बात करें, जिस तरह से काफ़ी लोग जो पुरानी वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ऐसा भयानक रोग आ गया है, इस तरह का इस गांव में रोग नहीं है। मैं काफ़ी खेतों को देख चुका हूं और पूरे जंगल में हरियाली है इस बारिश से। ईटाराणा गांव में तो मेरे हिसाब से नुकसान नहीं है, यदि किसी खेत में हुआ तो मैं आपको उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले गाँव में चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर भी प्याज में कितना नुकसान है या नहीं है। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। धन्यवाद।